रहने दो भैया, हम नहीं चढ़ पाएंगे। कैसा मार्ग है, बैठ के चलते करना पड़ेगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड होगी तो ललित भाई, यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है। दर्शन तो देखो यहीं से हो जा रहे हैं। दर्शन तो यहीं से कराऊंगा, तो मैं टेनेक्स से कराऊंगा। हम पहले भी हम आए हैं, पता ही आपको, इतना भीड़ देख के तो मन नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि भीड़ का ऐसा क्या बनना है। तो अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं नैनीताल की तरफ ना। देख लो दोस्तों कितनी भीड़ है। सात पच्चीस टाइम हो रहा है और भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है। तो दोस्तों हम लोग जाने लग गए हैं नीम करौली बाबा के धाम से नैनीताल की ओर। हम लोग मंदिर में नहीं गए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। ये देखिए जाम भी देखिए बहुत ज्यादा है। और दिल्ली दलीप भाई को भी दिल्ली निकलना है तो देर ना हो जाएगा ही, है ना दलीप भाई? करते हैं तो मैं और दलीप भाई जा रहे हैं इको केव पार्क के अंदर। हिंदी में क्या बोला? हिंदी में तो गुफा के अंदर जा रहे हैं। गुफा के अंदर एंट्री फीस 100 रुपए पर पर्सन अडल्ट के लिए। यहाँ घुसना है क्या? घुस जाओ। सवाल होगा दलीप से, बुक भरे हैं। टिकट चेक होगा यहाँ पे। दलीप भाई पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। बहुत पैसे है यहाँ पे तो। हाँ बारिश का मौसम हो गया ना। जाने का रास्ता डिसाइड किया गया है और ये बनाया गया है मैप। हमें जाना भी आगे को। ये हल्ला गुल्ला क्या हो रहा है इतना? अरे वो लगा रखा ना बोलने वाला। अच्छा हमने ये क्या यार रखा है, हमें जगह बनानी है यहाँ से। मैं करना इसके अंदर एंटर। आनंद भाई थोड़ा इसका मुझे शुद्ध हिंदी में मतलब बताओ तो जाएगी, आसानी से समझ में आ जाऊंगा। आ जाएगी मुझे। का मतलब तो पत्थर होता है। अच्छा तुम सिखलाते हो अपने आदर्शों में अडिग रहना और मार्गदर्शन करना। तो पत्थर कैसे, पत्थर पत्थर से सिखाता है ऐसा? पता नहीं, चलो। टाइगर केव, पैंथर केव, अंदर टाइगर और पैंथर की केव है। अरे बाप रे, खाली आवाज आ रही है। ये पे खतरनाक है वहां। टाइगर केव रिकॉर्डेड आवाज है। आवाज तो रियल है, वो रिकॉर्डेड है ना, फिर वही तो कह रहा तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइगर की घरौने की आवाज रिकॉर्ड करके सुनाई। कॉर्बेट से अच्छा है वैसे, कभी कभी वहाँ टाइगर की आवाज भी सुनने को नहीं मिलती है। तो सीधा टाइम होता है। ये
अच्छा को मेल नहीं मतलब भाई थो जाओ थो निकल भाई जाओ है? सोलो डार हो ये देखिए फ्रेंड्स कैसी कैसी गुफाएं हैं इसके अंदर बुल पड़ लगा छेद ना मुड़ी पैंथर के काफी एडवेंचरिंग है ये पॉइंट ऐसे तो वहाँ भी पदार्थ भुवनेश्वर में ना भजन तोड़ लगाएगा यहाँ पांच पीर यहाँ तो बहुत पानी निकल रहा है पानी निकल रहा है पाइप है तो लेकिन ये ऊपर ठंडा है ना अरे ठंडा पानी मेरे हाथ से बिक रहा है बादल बैठ के यहाँ पड़ा है बच्चों को ला रहे हैं बच्चा काफी डर रहा है तो देखिए कैसे संकरा मार रहा है बिल्कुल तभी बाहर चेतावनी दी गई है कि सर को बचा के चला क्योंकि सर टकराने का बहुत ज्यादा खतरा है इसमें आप खड़े होकर नहीं चल सकते इसमें आपको झपके और बॉडी को पत्थर के अकॉर्डिंग स्टेबल करना पड़ेगा मेरे कपड़े पीठ में चोट लग गया तो देखिए दोस्तों कैसा मार्ग है बैठ के चलते करना पड़ेगा यहाँ पे लेफ्ट साइड होगी तो यहाँ पे उतर के चलना करने के भूकंप आ गया तो यहीं दफन हो जाएंगे बोल उतर के चलेंगे अभी हम यहाँ से निकल के आए हैं बेटा आराम से पैसे वसूल हैं वैसे खोज तो हुए भी यहाँ कुछ तो होगा यार यहाँ पे ऐसे तो अपने आप में बनाई नहीं मैंने पत्थर काटा हुआ ना तो बहुत खतरनाक है ये आदम आदि मानव की गुफा होगी पहले चूहे रहते होंगे यहाँ चूहे यहाँ दौड़ते होंगे चूहे और इंसान दौड़ लें इसके अंदर चले रात को आना तो यहाँ लाइट दिल्ली तो मिलेगी सर यही भटक जाए
दलील तो पतला आदमी निकल जाएगा भाई आराम से। मोटा बस यही फायदा है पतला होने का। मोटा तो अटक जाएगा यहीं। जल्दी चलो आइसक्रीम खाना है, ठीक है? बढ़िया था, काफी एडवेंचरिंग है। वापस हम लोग यहीं पर आ गए हैं। ऐसे गए थे ना अंदर? अरे क्या नाम कहते हैं ना, पैंथर केव तो अंदर है लेकिन आवाज बाहर आ रही है। आवाज यहाँ से आ रही है। तो मैं और दलीप भाई आ चुके हैं पैंथर टाइगर केव से बाहर। टाइगर तो मिला नहीं, टाइगर की खाली आवाज सुनाई दी रिकॉर्डेड बाहर। काफी एडवेंचरिंग है। हाँ। जिस हिसाब से टिकट है ठीक है, अच्छा घूमने के लिए थोड़ी देर के लिए। हाँ पैसे बस यहाँ पे क्या है, फ्लाइंग फॉक्स जिप लाइन, यहाँ पे है पोर्किपाइन शाही यानी कि पहाड़ी में सॉल, सॉल की जिसे हम सॉल कहते हैं। पहले पे ना उसकी आवाज है जो आप बाहर सुन रहे हैं। पोर्किपाइन वे कैप तो मान भी सकते हो, तो गुफाओं के अंदर रहता था ना। हाँ। तो उधर टाइगर और वो लेपर्ड वो बस ऐसे ही कुछ भी, वो एक तरकीब है पैसे कमाने की। चलो तो फैक्टेबल लग रहा है कि जो शाही है ना सॉल है, होता है। और वो जो गुफा थी ना वो थी, ऐसे थी नहीं जो वहाँ टाइगर है पर। हाँ सॉल तो हाँ वहाँ भी रहता होगा शाही, वहाँ भी वही रहता होगा, यहाँ भी वही रहता होगा। चलो 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 पहले पकड़ो सीढ़िया वीढ़िया किसने बनाई होंगी ये। लेकिन जो ये वो है ना ये पत्थर है कितने खतरनाक है ना। हाँ ये देखिए कितने चिकनाहट, बहुत ज्यादा चिकनाहट इन पत्थरों पे। ये ऊपर देख, ये कैसे बन रखे देख। कुछ साल बाद कोई वही बोलेगा कि ये भगवान वो होगा। अरे हाँ वैसे लग रहा है सच में तो। ये देख वो देख मोती से लग रही है उधर वो सब। हाँ ऐसा लग रहा बहुत पुराने संगमरमर जैसे। हाँ वो ऐसा लग रहा है मूर्ति की डिजाइन भी ऐसी होगी। ये दलीप भाई ऐसे चक्कर बन गया आजा। चलो ऐसा निकलना पड़ रहा है इसके अंदर से बाहर को बैठ बैठ के। ये देखिए यहाँ पे बैठ के चलना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा वो है मुश्किल है। चलो हम तो जाएंगे लेकिन यहाँ पे उल्टा हो उल्टा चलना पड़ रहा है। बहुत ही ये देखिए बहुत ज्यादा पतला रास्ता है। हाथ पाँव सब टेकने पड़ रहे हैं, हर कोई नहीं आ पा रहा है, लोग वापस लौट चुके हैं, ऐसे जाना पड़ रहा है उल्टा होके। चलते हैं। केवल पर्सनल बुकिंग पे जा सकते क्या? ये देखिए सर फूटने का पूरा खतरा है। ये बड़े जैसे नहीं है, ये तो बहुत ही पतला है। बहुत ही पतला मार्ग है यहाँ से, यहाँ से निकले अभी हम ऊपर।
भी देखिए। एप्स के आनंद भाई, हाँ आनंद भाई, मैं सोच रहा हूँ ये अगर तुम्हारे नीचे आ जाए यहाँ पे अभी नहीं आगे चल तो सही, बहुत बहुत साल बहुत सालों से है। आराम से जय माता दे बोलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णो देवी की गुफा से बोलिए। तुम चले जाओ अभी भी, क्या है तेरे, तुम चली जाओ अभी भी, चली जाओ इधर। अच्छा यहाँ पे बड़ा पत्थर है, इसमें दिक्कत हो रही चढ़ने में। बगल एक भाई पकड़वा रहे थे, ऊपर से लाइट आ रही है, पत्थर नहीं दिख रहे किनारे वाले। आगे तो बढ़ो। अच्छा आगे बढ़ना है, बहुत चिकना है इसमें, बहुत चिकना है। ये देखो अंदर लंगर की तरफ कूद रहे हैं, पहाड़ी है ना, जूता खोलो, पहाड़ी के अंदर आ गए, पहाड़ के ऊपर से। एक मिनट भैया, कोई पकड़ लो चढ़ के आना पड़ेगा इसको पकड़ो। तो हाथ पकड़ो क्या, पकड़ो इसका हाथ, पकड़ो आराम से आओ। थैंक यू, रहने दो भैया, हम नहीं चल पाएंगे। तो सैंडल उतारो, ऊपर रखो, नहीं दे दो पहले तो। हाँ सैंडल है, सैंडल स्लिप कर रही है, आगे पकड़ा दो सैंडल ले लो। हर हर महादेव, हो जाएगा। ये ऊपर वाला पत्थर पकड़ो, ऊपर होगा, होगा। लाओ हाथ दे दो, लाओ बाबू प्रसाद यार, यही तो मेन है, आराम से गिरना मत, आराम से देख के नीचे, आराम से बस यही लास्ट है, बस ये देख कर आइए बहुत खतरनाक है ना, ऐसे पत्थर है बहुत बहुत। आ जाएंगे नहीं, तुम बोलिए आराम के लिए कर लेंगे, हम तो कर ही लेंगे भैया, वहां पहले तो यहां से बढ़िया खतरों के खिलाड़ी आ गए भैया, उससे भी मुश्किल है चढ़ना, मेरे लिए मुश्किल पड़ जाएगा। ना ये आसान है, ये आसान है, आराम से आगे शॉट लगा रहा है आराम से। बहुत ज्यादा टफ हो रहा है यहाँ से निकलना, जो पतले हैं वो आसानी से निकल जाएंगे, या जो चढ़ते होंगे पहाड़ वहाड़ पत्थरों पे। एयर साइकिलिंग
लेकिन जरा की मई का मंथ चल रहा है। अच्छा इको केव पार्क के अंदर आपको खाने के लिए कैंटीन मिल जाती है। सामने पहाड़ी पे फॉग आ चुका है। तो दोस्तों अभी हम आए हैं नैनीताल के इको केव गार्डन में। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं, यानी कह सकते हैं कि 5 से 6 गुफाएं हैं यहाँ पे। और ये हाल ही में आजकल काफी प्रसिद्ध हुआ है क्योंकि नैनीताल में है, मल्लीताल में काला ढुंगली रोड पे है ये, तो काफी फेमस है ये जगह आजकल। और बात करें फ्रेंड्स इस पॉइंट की, ये पॉइंट बच्चों का काफी पसंदीदा पॉइंट बन चुका है अब। और इसे करंटली अभी कुमाऊं मंडल विकास निगम हैंडल कर रहा है। और यहाँ पे देखिए आवाज आ रही है पैंथर की। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट हैं, जो गुफाएं हैं अलग अलग नाम रखा गया, किसी का टाइगर केव, किसी का पैंथर। इस पूरे एरिया को एक बगीचे के तौर पे डेवलप किया गया है, यानी छोटा सा एक गार्डन कह सकते हैं। और बात करें यहाँ पर क्या प्राइजिंग है, 3 साल तक का बच्चों का कॉस्ट फ्री है, उससे ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनका 12 साल तक उनका 50 रुपये है, और 13 साल से जो अडल्ट में काउंट होते हैं फिर उनके लिए कॉस्ट हमारा 100 रुपीज है। तो यहाँ पे काफी सारे एडवेंचरिंग हो जाता है, जैसे साइकिलिंग है, रोपवे है। तो यहाँ पे इस प्रकार से छोटे बच्चों के लिए फन पार्क बनाया गया है जिसमें छोटे बच्चे एंजॉय कर सके। और बात करें दोस्तों इस पॉइंट की, यानी कब ओपन होता है, तो मॉर्निंग में 9:30 से लेके शाम को इवनिंग टाइम पे 5:30 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पे जो गुफाएं हैं उनके अंदर ऐतिहासिक चित्र और दृश्य देखने को मिलते हैं। तो आज के ब्लॉग में हमने आपको कवर करके दिखाया नैनीताल का या इको केव पार्क। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अलग अलग प्राकृतिक सागरीय गुफाओं का आनंद ले सकते हैं।